हेलो एवरीवन, सो गाइज वेलकम टू इंजीनियर सड्डा, माई सेल्फ रजत सिंह। गाइज एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंसीज इन राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब यहाँ पे ये जो नोटिस है इसमें लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट जो है प्रोसेस इज लाइकली टू बी स्टार्टेड शॉर्टली। ये रिक्रूटमेंट जो होने वाला है इसमें वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेंगी, यहाँ पे चार पोस्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। सीरियल नंबर 1 में लिखा हुआ है लॉ ऑफिसर, सेकेंड और जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर JSO की पोस्ट है, जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर JEE की पोस्ट है और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है JA की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं यहाँ पे 2, 52, 53 और 45 यहाँ पे। जो इसमें जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट है यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपको देखनी है जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है, और बाकी की एलिजिबिलिटी बताऊंगा आपको, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए लॉ ऑफिसर जो ग्रेड 2 सेकंड लिखा हुआ है, मस्ट बी अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जो है यहाँ पे फर्स्ट क्लास MSc MS इन एनी ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री सॉइल साइंस, और यहाँ पे देख सकते हैं कि MSc और MS के लिए है यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए जो यहाँ पे पोस्ट है इसमें आपको क्लियरली यहाँ पे देखने को मिलेगा कि MTech/ME डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में MTech या ME डिग्री। साथ ही साथ लिखा हुआ है कि आफ्टर BTech करने के बाद किसी ने MTech करा हो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से, और BTech BE किस में चाहिए, तो BTech BE के लिए लिखा हुआ है चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी में हो, केमिकल हो, सिविल हो, माइनिंग हो, एनवायरमेंटल हो, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी सेगमेंट से BTech करके उसके बाद आपने एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में MTech किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्लास BTech यहाँ पे और अ फर्स्ट क्लास BE/BTech डिग्री इन एनी ऑफ द अबव ब्रांचेस ऑफ द, यहाँ पे देख सकते हो गाइज, एनी ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द इंजीनियरिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय द लॉ ऑफ इंडिया इन ऑर्डर और फॉरेन क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि भाई BE/BTech डिग्री तो मांग ही रहा है, साथ साथ में MTech भी मांग रहा है, और BTech के बाद MTech यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही साथ नोट नीचे एक दिया हुआ है, नोट में क्या लिखा हुआ है ये पढ़ लेते हैं एक बार। इफ अ क्लास डिविजन इज नॉट अवॉर्डेड मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट शैल बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू द फर्स्ट क्लास डिविजन। जब आपको ग्रेड या क्लास आपके मार्कशीट में नहीं मेंशन है तो उसके लिए आपको 60% का यहाँ पे क्राइटेरिया रख दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए जूनियर असिस्टेंट के लिए सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और इक्विवेलेंट हायर एंड लिखा हुआ है, इसके साथ ये भी चाहिए, हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्टेड बाय दी DOEACC अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जूनियर असिस्टेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे जितने भी क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं उसमें एक और क्राइटेरिया मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय द लॉ इन इंडिया फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं जो कि कंप्यूटर साइंस में किए हों। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे भी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम ए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट। तो देख सकते हो गाइज कि डिप्लोमा होल्डर जो एस्पिरेंट होंगे वो यहाँ पे एलिजिबल हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा की डिग्री ली होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन था गाइज, इस नोटिफिकेशन में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको वन बाय वन करके बता रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो पोस्ट है, एक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है और जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट है, जो इंजीनियरिंग के बच्चे यहाँ पे इन दोनों जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज इस पर्टिकुलर फॉर्म के बारे में आपको और भी आगे डिटेल में प्रोवाइड कराऊंगा। सिलेबस देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है सबका, सभी का एग्जामिनेशन का। अगर मैं बेसिकली बात करूँ कि जो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का है वो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, इन्वायरमेंटल वाले की बात करूँ तो वहाँ पे जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के जो है पार्ट ए में इन्वायरमेंटल जनरल नॉलेज, फिर वेस्ट वाटर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग जो आप लोग पढ़ते हो, बीटेक में भी पढ़ते हो, और जो एमटेक का भी डिटेल्ड सिलेबस होगा आपका उसमें पूरा का पूरा डिटेल, एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे। जिन्होंने इन्वायरमेंट से एमटेक करा होगा उसके लिए ये काफ़ी समझना आसान होगा। और साथ ही साथ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट,
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के भी क्वेश्चन है यहाँ पे, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, हजार्डस, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्ट बी में जनरल नॉलेज देखने को मिलेगा आपको, और जनरल नॉलेज के साथ साथ यहाँ पे आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, ये पूरा का पूरा पार्ट बी का पोर्शन है, ठीक है। इसी तरीके से सभी का सिलेबस लिखा हुआ है, और लाइकली डेट ऑफ एग्जामिनेशन इस पर्टिकुलर नोटिस में लिखा हुआ है कि बिटवीन 15th of November, 15 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 के बीच में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, करेक्ट। तो गाइज आई थिंक आपको इसके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। जो बच्चे एलिजिबल हैं वो डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, और जो भी बच्चे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं मोर और लेस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अगर आपने एमटेक कर रखा हुआ है एनवायरमेंटल से, तो उसके लिए सिलेबस भी आपका एनवायरमेंट का ही पूरा पढ़ना है, और डिटेल एक तरह से बोल सकते हो कि डिटेल सिलेबस जो है वो एनवायरमेंटल वाले सेगमेंट से ही आपको पूछा जाना है। नॉन टेक वाला पोर्शन जो है पार्ट बी, वो भी आपको तैयार करना पड़ेगा, लेकिन उसमें बेसिक वही मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर और जीएस वाला पोर्शन जो है लिखा हुआ है, ठीक है गाइज। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर छोटी से छोटी भी इन्फॉर्मेशन कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड आती है तो हम आपको कोशिश करते हैं कि सही समय पर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइज़।